तीसरे लॉकडाउन का दूसरा दिन और मैं दूसरी कविता पढ़ने जा रहा हूँ। ये कविता सुदामा पांडे, जो कि धूमिल के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनकी कविता है रोटी और संसद। तो पहले मैं बता दूं आपको, धूमिल धूमिल से मेरा परिचय कैसे हुआ था। धूमिल से मेरा परिचय कराया था मेरे दोस्त गौरव शुक्ला ने कॉलेज के दिनों में। उससे पहले जो भी मैंने कविताएं पढ़ी थी वो सिलेबस की कविताएं पढ़ी थी, और सिलेबस के बाद जो पढ़ी थी वो प्यार मोहब्बत की कविताएं पढ़ी थी। और इन सबके बाद धूमिल की कविताएं पढ़ना ऐसा था जैसे कि एक नई दुनिया से रूबरू होना जैसा था। मतलब वो दुनिया जो कि हमेशा से सामने थी पर उसको आज तक वैसा देखा नहीं था। तो उन्हीं कविताओं में से एक कविता मैं आपको आज सुनाता हूँ, रोटी और संसद। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है।